मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश अब थमने लगी है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आसमान में बादलों की चादर है और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 33 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई। धार में सबसे ज्यादा 63.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गुना में 23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा खंडवा में 5 मिलीमीटर, रतलाम में 4 मिलीमीटर और इंदौर में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी ओर छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की बारिश दर्ज की गई। इस बीच कुछ क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने आज 5 सितंबर को प्रदेश के बालाघाट, ढिंडोरी, अनूपपुर, सतना, पन्ना और छतरपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अलीराजपुर और झाबुआ में मौसम साफ रहने की संभावना है। इंदौर, भोपाल सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत चक्रवर्ती का इस पर क्या कहना है, सुनिए। नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। कल की डेट में जो एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट एमपी को बना हुआ था, वो अब थोड़ा लो ग्रेड होकर ऐसे अपर एयर सर्कुलेशन के फॉर्म पे साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तथा मानसून ट्रफ जो है जैसलमेर, कोटा प्रदेश के गुना तथा सिवनी के ऊपर से आगे बढ़ रहा है। तथा एक विंड शियर जोन 22 डिग्री नॉर्थ पे भी बना हुआ है। तथा एक साइसर जो है कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है। इन सभी सिस्टम को देखते हुए जो फोरकास्ट जारी की गई वो इस प्रकार है। 5 तारीख को जो है थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन ईस्ट एमपी में कुछ एक जगह पर जो है हैवी रेनफॉल जैसे कि बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सतना, पन्ना, छतरपुरी इलाकों में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल वार्निंग इशू किया गया है। 6 को जो है रेनफॉल एक्टिविटी फिर और कम हो जाएगी और ये मात्र आपके सिवनी, पन्ना, सतना जो है रेनफॉल यहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग इशू किया गया। तथा 7 में आपको ऐसा कोई हैवी रेनफॉल नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश भर में जो है थंडर एक्टिविटी बनी रहेगी तो उसकी वार्निंग जारी किया गया है। तथा 8 तारीख को जो है आप देख सकते हैं रेनफॉल एक्टिविटी में कोई खास वृद्धि नहीं रहेगी, थंडर एक्टिविटी सभी जगह बना हुआ रहेगा। तो आने वाले दिन में हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी जो है थोड़ा कम हो जाएगा पूरे प्रदेश भर में। बीते 24 घंटों में जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम जिले के पंचमढ़ी में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश का दौर अब थम जाएगा। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 6 सितंबर को सिवनी, पन्ना और सतना जिले में भारी बारिश की संभावना है। 7 और 8 सितंबर को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।